Hey friends, I'm your host and your dost Anamika and welcome to Anna's Recipes. Friends, happy Navratri to all of you. और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं नवरात्रे के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल थाली. जी हाँ, आइए देखिए इस नवरात्रे थाली में हम क्या क्या बनाते हैं. Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. सबसे पहले हम बनाते हैं फलाहारी आमटी यानी कि कढ़ी. इसके लिए हम एक बोल में दही ले लेंगे थोड़ा सा और उसमें पानी मिला के एक पतली छाछ बना लेंगे. यह छाछ हमें चाहिए करीब 250 ग्राम. ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया. थोड़ा और पानी डाल देते हैं और एक पतली सी छाछ बना लेते हैं. अब एक कटोरी में आधा चम्मच सिंघाड़े का आटा और आधा चम्मच कुट्टू का आटा डाल देंगे. मिक्स कर देंगे अच्छे से. थोड़ा सा पानी लेके इसका पतला सा घोल तैयार कर देंगे. इस घोल को बाकी के दही में मिला देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से. अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मच घी और जब घी गर्म हो जाएगा तब डालेंगे जीरा और दो हरी मिर्च जो हमने बारीक काटी हुई हैं. इसे अच्छे से भून लेंगे हम. उसके बाद हम अपनी छाछ इसमें डालेंगे और छाछ डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, वरना ये फट भी सकती है. तो आप इसे लगातार चलाते रहें, गैस फास्ट कर दें जिससे कि उबाल जल्दी आ जाए. ये देखिए उबाल आ गया है. उबाल आने के बाद ही इसमें सेंधा नमक मिलाएं. थोड़ा सा और पानी आप चाहें तो डाल सकते हैं और 5 मिनट इसे धीमी गैस पे हमें उबालना है और फिर हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी. ये देखिए, अब बनाते हैं हम फलाहारी ट्रायंगल्स. इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी कुट्टू का आटा, उसमें डालेंगे सेंधा नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिंजर और अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच मलाई और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके हमें एक आटा लगाना है. आटा लगाने का बेस्ट तरीका यही है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी लें, एक बार में बहुत सारा ना लें और एक आटा गूंद लें. ये देखिए, ये आटा रेडी है. अब दूसरा आटा हमें लगाना है. इसके लिए हम लेंगे सिंघाड़े का आटा, थोड़ा सा जीरा, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, कसूरी मेथी, सेंधा नमक, मलाई एक चम्मच, वही सब चीजें जो हमने उस आटे में डाली थी वही इसमें डालेंगे. अच्छे से इसे मिक्स करेंगे. थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे भी गूंद लेंगे. ये देखिए, ये भी गूंद गया है और ये दोनों आटा हमारा रेडी हो गया है. अब हम एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और उसमें तेल डालते हैं तलने के लिए. इस तेल को गर्म होने देते हैं और तब तक अपने ट्रायंगल्स बना लेते हैं. दोनों आटे को एक दूसरे के ऊपर रखे हमें एक साथ बेलना है क्योंकि ताकि इसके दो कलर्स आ जाएं. इसे आप बहुत हल्के हाथ से बेलना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है. इसे आप ट्रायंगल्स के शेप में काट लेते हैं. देख लिया, काट लिया है हमने. कढ़ाई के तेल को चेक कर लेते हैं. ये देखिए, तेल एकदम गर्म है. अब इसमें हम इसे तलेंगे. गर्म तेल में के बाद तेल को सिम करके फिर तलेंगे ताकि ये कुरकुरी बने एकदम.
जितनी एक बार में मटरी आ रही है मैं उतनी डाल देती हूँ। और इन्हें हमें तलना है हल्के हाथ से। जैसे ही गोल्डन हो जाए आप इसे निकाल दीजिए। और इसी तरह से मैं अपनी बाकी की मटरियां भी ट्रायंगल्स भी तल के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए एकदम रेडी है। अब बनाते हैं हम खजूर पाक। इसके लिए हमें कुछ पिंड खजूर चाहिए जिसके बीज हमने निकाल दिए हैं। ये हमें चाहिए करीब 250 ग्राम। ये देखिए हमने इसके बीज निकाल दिए हैं। अब हम इनको एक मिक्सी में डालेंगे और पीसेंगे। इस मिक्सी में मैं इस पिंड खजूर को डाल देती हूँ और आधा कप फुल क्रीम मिल्क भी डाल देती हूँ और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। एक पैन चढ़ा दिया, एक चम्मच घी डाल देती हूँ उसमें। और जब ये घी गर्म हो जाएगा तब ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो इसमें डाल के भूनेंगे। तो डाल देते हैं पेस्ट। इसे अच्छे से भून लेते हैं। इसे 4 से 5 मिनट भूनना है, तब तक कि ये पूरा घी सोक कर ले और ये पैन को छोड़ने लगे। देखिए अब ये भून रहा है। अब इसमें हम जब ये भून जाएगा हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये एकदम पैन को इसने छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे हम कसा हुआ नारियल आधा कप और बादाम, काजू और किशमिश मैंने काट के रखी हैं थोड़ी सी, वो भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भूनना है। ये हमें भूनना है 4 से 5 मिनट और। जब ये हो जाएगा अब ये इसको गैस में ठंडा कर देंगे। ये देखिए प्लेट में मैं लगा देती हूँ पेपर और थोड़ा सा घी लगा देती हूँ जिससे कि हम ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि इसके निकालने में आसानी हो। अब ये जो खजूर पाक बनाया था ये इसमें डाल देती हूँ मैं। चम्मच में थोड़ा घी लगा लिया है मैंने पीछे ताकि इसको मुझे चम्मच से स्प्रेड करने में आसानी हो, चिपके नहीं। इसे अच्छे से लगा के यहाँ पे इसे हम फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो 30 से 40 मिनट या ठंडा होने रख दीजिए और जब ये सेट हो जाए तब इसकी आप कतलियां काट लीजिए इस तरीके से। ये हमारी नवरात्रि थाली एकदम रेडी है। आप इसे एंजॉय करें और बताएं आपको ये कैसी लगी।